हाय फ्रेंड्स, मैं संजय नटवाड़िया, आपका शिवालय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉइल केमिस्ट्री। ये 12th क्लास का टॉपिक है सॉइल केमिस्ट्री, 12th एग्रीकल्चर। जब सॉइल केमिस्ट्री में बात करते हैं, इसमें पहला चैप्टर आता है अपने पास में मृदा, बोले तो सोयल। जो मृदा शब्द है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज जिसका अर्थ सोलम, जिसे क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। सोलम लैटिन लैंग्वेज वर्ड है और अपने इस हिंदी या इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, इसको मृदा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। कई बार अपन क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि मर्दा ये कौन सी, या सोलम मर्दा किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी जानना है सोलम। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो है लैटिन लैंग्वेज का। बात आती है अपने पास में कि जितने भी, देखो जनरल नॉलेज की बात है कि अपनी जितने भी टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, जितने भी नाम लिखे जाते हैं इन सब में, वो लिखे जाते हैं अपने पास में दो लैंग्वेज है। एक होती है अपने पास में लैटिन लैंग्वेज और एक होती है अपने पास में ग्रीक लैंग्वेज। इन दोनों भाषाओं के अंदर अपने पास में क्या लिखा जाता है, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज है, ये वर्ड्स भी अपने 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जिसका भी नामकरण किया जाता है वो लैटिन या ग्रीक भाषा में क्यों किया जाता है, तो उसका कारण है कि दोनों डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब होता है मृत भाषाएं, मृत भाषाएं। अब कई बार ऐसा शब्द लिखता हूं मृत भाषाएं, तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये मर चुकी है क्या, नष्ट हो चुकी, नष्ट हो गई क्या? ऐसा नहीं है, मृत भाषा का मतलब है जिनका शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, यानी इन सब का एक ही अर्थ निकलेगा शाब्दिक अर्थ। वैसे अपन देखा जाए हिंदी या इंग्लिश वर्ड्स देखे तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, एक ही अर्थ के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे मैं कमजोर की बात करें, कमजोर, कमजोर को अपन दुर्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्बल भी बोलते हैं। इसी कमजोर को अगर अपन इकोनॉमिकली ऐड कर लें तो इसको गरीब भी कहा जाता है, जो पैसों से कैसा है, गरीब है, कमजोर। तो ऐसे एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, जबकि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में एक शब्द का केवल एक ही अर्थ निकला था। निकलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, डेड लैंग्वेज कहा जाता है। और जितने भी नामकरण है साइंस के हो, तो वो जितने भी नामकरण साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, इसके जितने भी नामकरण है वो हमेशा कौन सी भाषा में किए जाते हैं, लैटिन या ग्रीक भाषा में किए जाते हैं। आगे बात आती है, जो अपने पास में मृदा कण होता है, इस मृदा कण के अंदर अपने पास में गहराई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है और इसकी लंबाई भी होती है। यानी कि इसकी गहराई, चौड़ाई और लंबाई तीनों चीज होने के कारण, मृदा के कणों की बात की जाए तो तीनों चीज होने के कारण इसकी जो ज्यामिति हो त्रिविमीय होती है। कैसी होती है, त्रिविमीय। मृदा कण की लंबाई, चौड़ाई और गहराई होने का ये कैसा कण है, त्रिविमीय कण है। कैसा कण है, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशंस के अंदर बात होती है, क्योंकि एक कण है जिसकी गहराई है, चौड़ाई है और लंबाई है, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिविमीय कण कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसकी केवल लंबाई और चौड़ाई है, इसकी केवल क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, तो इसको केवल टू डायमेंशन हो गया ये बोर्ड अपने पास। कैसा हो गया, टू डायमेंशन। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मृदा का जो कण होता है उसकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई होने का ये कैसा कण हो गया, त्रिविमीय कण हो गया। आगे अपन यहां सोलम की बात की थी, अब इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं अपन। सोलम, सोलम का अर्थ होता है अपने पास में फ्लोर, हिंदी में बात करूं फ्लोर, या इसको मैं बोल सकता हूं फर्श। सोलम यानी क्या हो गया, फ्लोर हो गया, इसको मैं क्या कह सकता हूं, फ्रेश भी कह सकता हूं। यानी कि धरातल का जो ऊपरी सतह है, धरातल की ऊपरी सतह,
वो मर्दा की होती है अपने पास, इसकी होती है मर्दा। धरातल की ऊपरी सतह किससे कहते हैं? मर्दा को कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अपने पास में मर्दा, सोयल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सोलम, सोलम की बात की जाए तो इसको कहते हैं फ्लोर या प्रस, इसका अर्थ होता है। और ये धरातल की ऊपरी सतह का क्या करता है? निर्माण करता है। और मर्दा के कण के अंदर तीनों चीज होती है, गहराई भी होती है दोस्तों, चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है। अतः ये कैसा कण है? त्रिविमीय कण है। कैसा है? त्रिविमीय कण। इसके बाद में बात की जाए तो मर्दा कण की अपन आगे डिस्कस करें, मर्दा के बारे में जब आगे बात की जाती है तो मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है। कैसा पिंड है? प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति द्वारा निर्मित है तो इसको क्या कह दिया जाता है? प्राकृतिक पिंड कह दिया जाता है, क्योंकि इसको मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बात आती है मर्दा की परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा, तो अपने पास में दो साइंटिस्ट आते हैं, एक आता है जोफे एंड मार्क बेट। जोफे एंड मार्क बेट, जोफे और मार्क बेट क्या कहते हैं कि एक प्राकृतिक पिंड, एक प्राकृतिक पिंड जिसका निर्माण, एक प्राकृतिक पिंड जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से होता है। यानी अपने पास में कोई भी चीज है, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल ले लिया चौक है अपने पास में। अब मैं इस चौक है, ये मान लो ये पहले एक चूर्ण था इसका, अगर मैं इसको प्रेशराइज करूंगा तो प्रेशराइज करने पे यानी प्राकृतिक बल लग रहे हैं इस पे, वो प्राकृतिक बलों का नहीं है कि चपटा हो जाएगा, बिल्कुल एक सतह के रूप में निर्मित हो जाएगा। तो कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है और उस पे दबाव डाला जाए, यानी क्या डाला जाए? दबाव, प्रेशर किया जाए। प्रेशर करने पे आप लोग नॉर्मल जानते हैं वो किसके रूप में सेट हो जाएगा? एक फ्लोर के रूप में सेट हो जाएगा, एक सतह के रूप में निर्मित हो जाएगा। तो उसी के कारण इसको मर्दा के नाम से जाना जाता है। ये कहा था जोफे एंड मार्गरेट ने कि एक प्राकृतिक पिंड जो कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के कारण निर्मित होता है उसे क्या कहा जाता है? मर्दा कहा जाता है। आगे इन्होंने कहा कि ये भिन्न भिन्न स्तरों में पाए जाते हैं, यानी इसके क्या पाए जाते हैं? भिन्न भिन्न स्तर पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक स्तर की गहराई, गहराई में खनिज व कार्बनिक पदार्थों से निर्मित परतों, इस तरह का मतलब होता है अपने पास में परतें बोल सकता हूं इसको, परत निर्मित परतों के गुण रूप सब क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी वहां पर जो कार्बनिक पदार्थ है, खनिज है, ये इसके गुण है, वो सारे क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगेन मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, सोइल केमिस्ट्री ये 12th क्लास का एक बुक है, यानी कि टॉपिक है, उसके अंदर अपन पहला चैप्टर आता है अपने पास में मर्दा। मैं फिर से बता रहा हूं, मर्दा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसे कहते हैं सोलम, और सोलम का शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श। और आगे ये कहा जाता है कि जो मर्दा होती है वो धरातल की ऊपरी सतह को कहा जाता है, इसमें मर्दा कण पाए जाते हैं। उन मर्दा कणों की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय होने का कारण है क्योंकि ये गहराई, इनकी चौड़ाई और इनमें लंबाई, ये सब पाई जाती है। आगे बात की जाए, मैंने कहा था आपको लैटिन, ये जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है इन सब में ही नोमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसका कारण होता है क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज होती है, मृत भाषाएं होती हैं जिनमें एक शब्द का केवल एक ही अर्थ निकलता है।
वैसे अपने हिंदी वर्ड्स जो होते हैं या इंग्लिश वर्ड्स की बात की जाए तो उनमें एक अर्थ के अनेकों शाब्दिक अर्थ निकलते हैं, तो वो सही नहीं है टर्मिनोलॉजी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द को हर बुक्स में फिर अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा तो ये याद करना संभव नहीं है। इसके बाद में अपने पास में इसकी परिभाषाओं की बात करूं मैं, तो अपने पास में साइंटिस्ट सबसे पहले डिफाइन किया इसको जॉफ्रे और मार्गरेट ने, उन्हें भी कहा कि किसी प्राकृतिक पिंड या कोई भी प्राकृतिक पिंड जो कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से निर्मित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। ये भिन्न भिन्न या विभिन्न परतों या स्तरों के रूप में पाई जाती है जिनमें गहराई में खनिज व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको डिफाइन किया था किसने, जॉफ्रे ने व मार्गरेट ने। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अपने पास में वो था बेकमैन व ब्रेडी। इसके बाद जो साइंटिस्ट है अपने पास में वो थे बेकमैन व ब्रेडी। ये दो साइंटिस्ट आए, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या कहा कि वे प्राकृतिक पिंड, वह प्राकृतिक पिंड जो कि खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन व अपक्षय, विच्छेदन मतलब टूटना, तो ध्यान रखना है प्राकृतिक पिंड जो कि खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन व अपक्षय के कारण निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा गया, मृदा कहा गया। ध्यान में रखने वाली बात ये कि खनिज पदार्थों खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन व अपक्षय के कारण जो मृदा निर्मित होती है उसको आइडेंटिफाई किया था किसने, बेकमैन व ब्रेडी ने। तो यहां से बेटा क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन क्या बन सकता है ध्यान में रखना है कि अपन को जैसे परिभाषा दे दी उसने और पूछा है कि यहां से ये कथन किसने दिया, ये कथन किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहले कथन दिया कि कोई प्राकृतिक पिंड जो है वो अपने पास में खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विघटन या विच्छेदन के कारण निर्मित होता है, तो ये कथन किसने दिया, ये कथन किसने दिया, आपको ध्यान रखना है बेकमैन व ब्रेडी ने दिया था। किसने दिया था, बेकमैन व ब्रेडी ने। वैसे आपको एक चीज बता दूं मैं कि आज जो मृदा है ये मृदा का निर्माण कई हजारों वर्ष में जाकर पूरा होता है, क्योंकि इस माना जाता है कि जो पृथ्वी थी वो स्टार्टिंग में एक आग का गोला थी, यानी उसमें बहुत सारी ज्वालामुखियां थी, वो ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में यहाँ पे एक परत बन गई। अब जैसे पहाड़ी, एक पहाड़ी का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है, एक परत निर्मित हो गई। इस परत के निर्मित होने के पश्चात इस पे कई वर्षों पश्चात छोटे छोटे जीव या पेड़ पौधे या वनस्पति की बात करूं, छोटी छोटी वनस्पति यहाँ पे उगती है। जैसे सर्वप्रथम कोई भी चट्टान है या कोई भी जगह अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो वहां पर सबसे पहले जो उगता है वो उगते हैं लाइकेंस, क्योंकि लाइकेंस और लाइकेंस मिक्सचर होता है शैवाल में कवक का। जब सर्वप्रथम लाइकेंस इसमें उगेगी, लाइकेंस क्या करती है कि इनको टुकड़ों के रूप में, जो चट्टान या पथरीला जो एरिया होता है उसे टुकड़ों के रूप में क्या कर देती है, तोड़ देती है। अब वहां पे टुकड़े रूप में टूट गई, इसके बाद में फिर धीरे धीरे इसमें छोटे पेड़ पौधे या झाड़ियां उगती है। स्टार्टिंग में छोटे पेड़ पौधे उगेंगे, इसके बाद में इसमें झाड़ियां उगना स्टार्ट हो जाएगी, फिर झाड़ी उसमें धीरे धीरे बड़े पेड़ उगेंगे यहाँ पे। तो ऐसे कोई भी जगह है जो पथरीली एरिया होता है
वहां से मर्दा का निर्माण होता है, और मर्दा इसीलिए उसे प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। मर्दा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक पिंड। कहने का कारण यही है क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है, ये किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये प्राकृतिक पिंड है। और बकमैन और ब्रेडलीस को क्या कहा कि खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के अवशेष के कारण इसका क्या होता है? निर्माण होता है। इन्होंने भी ये बात की थी, ये कई स्तरों के रूप में पाई जाती है, कई स्तर के रूप में या परतों के रूप में ये क्या होती है? पाई जाती है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये कई परतों के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। जैसे मैं नॉर्मली आपको फॉर एग्जांपल के रूप में बताऊं, आगे चल के अपने चलना है, अपने पास में तीन प्रकार के स्तर होते हैं। एक होता है लेयर ए, एक होती है लेयर बी और एक होती है लेयर सी। यहां जो लेयर ए होती है ये मर्दा का ऊपरी स्तर होता है, मर्दा का ऊपरी स्तर है। बी और सी जो होता है ये ए लेयर के नीचे, लेयर ए का निचला स्तर होता है, लेयर ए का निचला स्तर होता है बी और सी। अब अपन देखते हैं नॉर्मली कि जो खेती होती है, तो मान लो क्वेश्चन आ जाए कि किसान खेती करने के लिए फसल के लिए बीज बोता है, तो बताइए वो बीज कौन सी लेयर में, मर्दा की कौन सी लेयर में बो रहा है? क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अपने गांव में घरवाले भी पूछ सकते हैं, अरे आपका बीज भी बो रहा है ना, वो बीज बताओ मर्दा की कौन सी लेयर में बोया जा रहा है, कि भाई आप मर्दा कैसे इस तरह बोया जा रहा है, तो बोया जा रहा है। तो इसके बाद का ध्यान रहना चाहिए अपने को कि जो बीज है या जो फसल जो उगती है वो अपनी उगती है मर्दा के लेयर ए में। मर्दा की लेयर ए में किसका निर्माण होता है? फसल का उगना है, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो मर्दा के लेयर ए में पाए जाते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर इसकी जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती, बहुत ज्यादा फैलती, यानी कि यहां पर इसका घनत्व, जो जड़ों का घनत्व है वो उच्च होता है, जबकि लेयर बी और सी है उसमें जो जड़ों का घनत्व है, जड़ों का घनत्व जो है फैलने का वो क्या होता है? कम होता है, बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे जड़ें लेयर बी और सी में जाती है। बाकी सबसे ज्यादा फसल या पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी लेयर किस कौन सी, मतलब जड़ें कौन सी लेयर फैलती है? लेयर ए में फैलती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बात की जाए उपजाऊ, ये जो मर्दा की लेयर ए है ये उपजाऊ लेयर होती है, यानी उपजाऊ मर्दा होती है, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ व ह्यूमस पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा कौन से लेयर में पाए जाते हैं? ए में। ये भी क्वेश्चन बनता है जिससे अकॉर्डिंग टू जेट बाथरूम है तो पूछ लिया जाता है कि मर्दा की कौन सी लेयर में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शंस दे दिए, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया लेयर बी, दूसरा दे दिया लेयर ए, तीसरा दे दिया लेयर सी, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या बना अपने पास में कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मर्दा की कौन सी लेयर में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है जो लेयर ए है इसमें अपने पास में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहां पर मर्दा से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आते हैं अपने पास में, उनको डिस्कस करते हैं। कई बार इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जैसे अपन बात करें मर्दा के बारे में, ये एक गतिशील, मर्दा के कण जो है, कण वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, साथ में मर्दा जो है वो जीवित होती है। ये दोनों वर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मर्दा के कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, और मर्दा कैसी है? जीवित है। कैसी है?
पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मृदा के कण जो है वो गतिशील है और साथ में कैसे अपने पास में जीवित होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। तो जैसे अपन डिस्कस करें इसके बारे में, तो सबसे पहले अपन ने बात की मृदा एक लैटिन वर्ड था जिसका अर्थ था सोलम, और सोलम का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्रस या फ्लोर के नाम से जाना जाता है। मृदा धरातल का ऊपरी स्तर बनाती है जिसमें मृदा के कण होते हैं, और कणों की ज्यामिति कैसी होती है, त्रिविमीय होती है। इसके पश्चात अपन ने बात की कि मृदा के कण कैसे होते हैं, गतिशील और जीवित होते हैं। आगे बात है अपने पास में मृदा की परिभाषा, तो साइंटिस्ट सबसे पहले है अपने पास में जॉफ्रे मार्बटे, और उसके बाद में है बकमैन व ब्रेडी। बकमैन और ब्रेडी ने क्या कहा अपने पास में कि जो प्राकृतिक पिंड है वो खनिज और कार्बनिक पदार्थ विच्छेदन में अपक्षय के टूटने के कारण निर्मित होते हैं, और ये कई स्तरों में पाए जाते हैं। जब अपन ने स्तरों की बात की तो अपन ने बात की मोस्टली तीन स्तर होते हैं, ए बी और सी लेयर्स फॉर्म होती है। ए लेयर जो है वो उपजाऊ मृदा की लेयर होती है, इसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ में इसमें पेड़ पौधे जो है वो इसी में उगते हैं और इनकी जड़ें सर्वाधिक इसी एरिया में फैलती है, जबकि लेयर जो बी और सी है ये बहुत कम उपजाऊ होती है, यानी ये मिट्टी किसी काम की नहीं होती अपने लिए, और यहाँ पे पेड़ पौधे जड़े जो है वो भी बहुत कम फैलती है। मैंने आगे बताया कि मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, तो आप लोगों को सीधी सी बात है मृदा का निर्माण अचानक से ना होकर मृदा का निर्माण जो होता है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और इसमें कई वर्ष या हजारों वर्ष लग जाते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि जब पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई तो ये माना जाता है पृथ्वी पर बहुत सारी ज्वालामुखियां थी जो कि धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब ठंडी होने पर वहां पर एरिया कैसा हो गया, पथरीला हो गया। पथरीले एरिया पर सर्वप्रथम जो उगते हैं उन्हें कहा जाता है लाइकेंस। ये आपकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बायोलॉजी में आती है कि कोई भी पथरीला एरिया है या पत्थर से उन पे सर्वप्रथम कौन उगता है, तो सर्वप्रथम उगते हैं अपने पास में कौन, लाइकेंस उगते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उगेंगे अपने पास में कौन से, लाइकेंस उगेंगे। कौन उगते हैं, लाइकेंस। ये लाइकेंस क्या करते हैं कि जो पथरीला एरिया होता है उसे धीरे 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 क्या करते हैं, अपक्षय करते हैं यानी तोड़ते हैं, अपक्षय करते हैं यानी कि तोड़ते हैं। तो धीरे 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 ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने पे थोड़े लाइकेंस से ऊपर वाले पेड़ जीव उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते झाड़ियां आती है, झाड़ियों से क्या उत्पन्न हो जाते हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक क्षेत्र में मृदा का निर्माण होने में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन, अब मृदा के अध्ययन की बात की जाए तो मृदा का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी, ये दूसरा जो है वो है मृदा शास्त्र, मृदा शास्त्र इसे बोलते हैं एपिडोलॉजी। पेडोलॉजी है वो जन्म उत्पत्ति गुणों आदि के आधार पर किया जाता है, जबकि एपिडोलॉजी है वो उच्च पादप समुदाय के आधार पर किया जाता है। अगर अपन उच्च पादप समुदाय के आधार पर अगर अपन मृदा का अध्ययन करेंगे तो अपने पास में क्या कहलाएगा, मृदा शास्त्र कहलाएगा, जबकि अपन उसकी उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, मृदा की उत्पत्ति के आधार पर उसके गुणों के आधार पर बात की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, अपन पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर केवल उसकी उत्पत्ति के बारे में उसके गुणों के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पेडोलॉजी।
जबकि पादप समुदाय के आधार पर अगर बात की जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, मृदा शास्त्र। जैसे एक दूसरे बन सकता है या फिर कथन देकर पूछ सकता है इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कथन बन गया कि जब मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदायों के आधार पर किया जाता है तो बताइए इसे क्या कहते हैं, जब मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदायों के आधार पर किया जाता है तो बताइए इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, मृदा शास्त्र। और उसकी उत्पत्ति के आधार पर अगर किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पेडोलॉजी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बात आती है इसे प्राकृतिक पिंड क्यों कहते हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। प्राकृतिक पिंड क्योंकि ये कहां से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त होता है, अतः इसे प्राकृतिक पिंड कहा जाता है और इसे कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं किया जा सकता। आगे बात की जाए तो इसमें जो पिंड है ये क्या होता है कि जो भी अपने पास में चट्टानें होती हैं या कोई भी पथरीला एरिया होता है वो धीरे धीरे टूट कर अपने पास में एक प्रोफाइल का निर्माण कर लेता है। किसका, प्रोफाइल का निर्माण करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कणों के रूप में टूटकर धीरे धीरे एक प्रोफाइल बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोफाइल, जिसके अंदर अपन मृदा के तीनों स्तरों की बात करते हैं, मृदा के अंदर उपस्थित संगठन की बात की जाती है, ये सारा जहां किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रोफाइल। क्या कहा जाता है, प्रोफाइल। तो ये ध्यान रखना है कि मृदा जो है ये प्रकृति से प्राप्त होती है, इसको कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं किया जा सकता है। साथ में मैंने आपको बताया था ये जीवित और गतिशील कण होते हैं। आगे बात की जाए तो इनके गुण जो है वो प्रत्येक स्तर में, यानी कि इनके गुणों की बात की जाए तो प्रत्येक स्तर में इनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी प्रत्येक स्तर जो है उसकी गहराई और कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे अपने पास में तीन स्तर हो गए, जैसे कि अपने पास में मान लीजिए तीन स्तर हो गए। अब इस स्तर, ये ऊपरी स्तर है जिससे लेयर ए बोल दिया, ये लेयर बी है और इसको क्या बोल दिया, लेयर सी बोल दिया। ये अपने पास में उपजाऊ एरिया है, यानी जो मृदा है वो यहाँ पर उपजाऊ है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भी सारे पाए जाते हैं। जबकि लेयर बी ये होगी और लेयर सी ये होगी। अब लेयर बी और लेयर सी है वो कम उपजाऊ होती है, तो ये सारा जो मिलकर बनाता है उसे को कहा जाता है प्रोफाइल। क्या कहा जाता है, प्रोफाइल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बात की जाए अब इनमें बात को में, इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा इससे भी बहुत कम है और इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत कम है। तो ये जो क्रम हो गया इसी को कहा जाता है अपने पास में कि ये लेयर्स फॉर्म हो गए खनिज पदार्थों की मात्रा के आधार पर। तो प्रत्येक लेयर में खनिज पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों।